بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك من شر الوسواس الخناس بسم الله الرحمن الرحيم من الجنة والناس صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربك أعوذ بك من الشيطان من همزات الشياطين وقل ربك أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي إن يحذرون. صدق الله العظيم. برادران اکرام، ابھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی ایک مکمل صورت ہمارے حافظ و خاری صاحب و امام صاحب سے سنی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کہ آپ کو شیطان سے اور دوسرے انسانوں، جنوں وغیرہ سے کس طریقے سے پناہ مانگنی چاہیے. پوری مکمل صورت ہے وہ، اور یہ جو میں ابھی تلاوت کیا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ تم یہ دعا کیا کرو شیطانوں کی وسوسوں سے پناہ مانگنے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ایسی دعا کیا کرو، وقل ربی، اے پروردگار تو ہمیں محفوظ فرما شیطانی وسوسوں سے، اور دوسرے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے وقت سے جب کہ شیطان میرے قریب آئے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان سے پناہ مانگنے کا یہ طریقہ بھی بتا دیا کہ ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان کے جو وسوسے دلوں میں ڈالتا ہے اس سے، اور پناہ مانگتے ہیں اس کی قربت سے. اور قربت خصوصی طور پر اس وقت میں جب کہ حالت نزاع ہوتی ہے تو شیطان آ کے بھٹکاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں بھی ہم کو جو ہے پناہ مانگنی چاہیے کہ شیطان ہمارے دلوں میں آخر وقت میں بھی وسوسہ نہ ڈال سکے. اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے پناہ عطا فرما زیادہ بڑھاپے سے، زیادہ عمر تک پہنچنے سے. اور آپ فرماتے تھے کہ اے اللہ
मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर दीवार या मकान के गिरने से मेरी मौत वाक़ हो। फिर आप ये फरमाते थे कि ऐ अल्लाह तुम मुझे पनाह नसीब अता फरमा पानी में गर्क होने की मौत से। फिर अल्लाह ताला से आप दुआ फरमाते थे कि ऐ अल्लाह तुम मुझे पनाह नसीब अता फरमा उस वक्त के लिए जबकि शैतान आखिरी वक्त में मुझे भटका ना सके। ये हदीस भी है, कुरान की आयतें हैं, ये हमारे सामने तफसील से आई हैं। अल्लाह ताला हम सबको शैतान के वसवसों से, शैतान की खुरबत से, शैतानी तमाम आमाल से हमको महफूज रखे। आज के प्रोग्राम के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह आज शरीयत इंफॉर्मेशन की 840वीं नशिस्त है और ये जामिया मस्जिद आलिया गंज फाउंड्री के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनाकिद हो रही है। आज 23 जनवरी 2023 है और आज मुखातिब करने वाले हमारी शहर की जानी मानी शख्सियत जनाब डॉक्टर मोहम्मद मतीन खालिदी साहब हैं, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के मेंबर भी हैं और साबिक के तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन भी रह चुके हैं वो। और आपकी जो है सियासी बसीरत, आपका हदीस और जो है कुरान के ऊपर उबूर, इसके साथ साथ मुसलमानों की माशरती हालात जो शहर में हैं इस वक्त नौजवानों में हैं उसके ऊपर आपकी गहरी नज़र है और आज आप इस उन्वान से मुखातिब फरमा रहे हैं कि पहले तहफ़ुज़े पहले महाफिज़े दीन व शरीयत, आज उन्वान से मुखातिब फरमा रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे मतीन साहब से कि वो आज हमें अपने ख्याल से मुस्तफ़िद होने का मौका अता फरमाए। वरहमतुल्लाहि बरकातुह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم حاضرین الکرام جیسے کہ آپ نے آج کا جو عنوان ہے पहले महाफिज़े दीन व शरीयत आपने ये भी समात फरमाया कि आज किस मौजू पर गुफ्तगू करनी है। अल्लाह ताला ने अनबिया इकराम के ज़रिए हर वक्त हिदायत का सामा इंसानियत के लिए रखा ता वक्ते के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, फिर दीन को, दीन इस्लाम को जो मुख्तलिफ अनबिया के ज़रिए भेजा जाते रहा उसको मुकम्मल कर दिया। फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। फिर अब उस दीन की बखा, उसका तहफ़्फ़ुज़, उसकी तरवीज, उसकी इशात, उसकी दावत, उसकी तबलीग के लिए ऐसे ग्रोह की ज़रूरत थी, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे ग्रोह की ज़रूरत थी जो है अल्लाह की रज़ा के लिए तन मन धन की बाजी लगा दें। और अल्लाह ताला ने हम दीगर अनबिया की अगर सीरत का मुताला करें, खुद कुरान मजीद का मुताला करें तो हमको पता चलता है कि सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने खरिया की तरफ, एक गांव की तरफ तीन अनबिया को भेजा के पीछे, लेकिन तीन नबी आने के बावजूद एक आदमी उसमें से इस्लाम दावत दीन की हक़ को कबूल नहीं किया। नबी करीम सर ने फरमाया कि क़ियामत में बस नबी ऐसे होंगे जो तना होंगे, कोई उनका उम्मत ही नहीं होगा। ऐसे भी अनबिया रहे। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है बड़ी, बनी इसराइल रही, लेकिन उनके तौर तरीक़ों को छोड़ दी, दीन में गलत मलत मिक्स कर दिया, मिला दिया बहुत सारी बातें, हकीकत को फरामोश कर गए। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम की शक्ल में वो इंसानों का ग्रोह अता किया जो इस कायनात में क़ियामत तक उनमें इसके जैसा एक फ़र्द अब पैदा नहीं हो सकता जो उनका मुकाम हासिल कर ले। चाहे कितनी इबादत कर ले, कितनी रियाजत कर ले, अल्लाह के रास्ते में कितनी जद्दोजहद जिहाद करे, शहीद हो सकते हैं, वली हो सकते हैं, कुतुब हो सकते हैं, अब्दाल हो सकते हैं, विलायत के आला मुकाम पे पहुंच सकते हैं, लेकिन कोई सहाबी नहीं हो सकता। और अल्लाह ताला ने
قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم, فرمایا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, ماں ان کے ساتھ جو ہیں, ان کے ساتھی جو ہیں وہ کفر کے مقابل میں اشد اور آپس میں بڑے مہربان رحم دل ہیں. ان کی صفت بیان کی, یہ نہیں کہا کہ ان کے فالوور, ان کے متبعین, ان کی امتی, کہا گیا کہ ان کے ساتھی. یہ بڑا لقب ان صحابہ کی جماعت کو دیا گیا. اب اس لیے بھی مستحق تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حفاظت کے لیے کئی موقعوں پر اپنی جان کی بازی لگا دی, جان کا نذرانہ پیش کر دیا, دین کی اشاعت کے لیے, دین کی ترویج کے لیے, دین کی تبلیغ کے لیے جان مال ہر چیز قربان کری. یہ کیفیت ان کی تھی. تو یہ ایسا مقدس گروہ تھا جو قیامت تک کوئی ان میں کا ایک بھی پیدا نہیں ہوتا سکتا. اس لیے نبی کریم سے فرمایا خال وسلم اسابق النجوم فبأيهم اهتديتم اهتديتم, میرے صحابہ ستاروں کے مانندے, تم کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. یہ معاملہ. اب ان میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما تھے, دین میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ مداخلت کرے, شریعت کے کسی معاملے میں کوئی اس کو رد و بدل کرے, تبدیل کرے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے پردہ فرمانے کے ساتھ ہی مسائل کا انبار آ گیا. کئی گروہ کھڑے ہو گئے, کوئی زکوٰۃ کا منکر ہو گیا, کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. یہ سارے مسائل ایسا معلوم ہو رہا کہ پہاڑ بن کے ٹوٹ پڑے ہیں ان کے جو جانشین ہیں ان کے اوپر. عزیزان گرامی, میں یہ بات پر بعد میں آؤں گا, لیکن میں جس ذات, جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں, تھوڑا سا ان کا تعارف کرا دوں. یہ پہلے محافظ ہے کون دین و شریعت کے. ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عثمان ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ. یہ پہلی شخصیت ہے جو ہے دین کے محافظ, دین و شریعت کے محافظ رہے ہیں, اور ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہے, کبھی کسی موقع پر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. ہو سکتا آپ لوگ نام سن کے چونکے ہوں, یہ کون ہے؟ یہ اصل میں ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام. بہت سارے اصحاب کو یہ معلوم بھی نہیں ہوں گا, ان کا اصلی نام ہے عبداللہ ابن عثمان ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ. عبداللہ نام ہے ان کا. یہ ابوبکر تو اس لیے پڑھا کہ وہ بڑے خیر خواہ تھے, دوسروں کی مدد کرنے والے تھے, اور ہوتا یہ ہے کہ انسان کا مزاج جس طرح کا ہوتا ہے اس کے حلقے احباب میں ایسے ہی لوگ جمع ہو جاتے ہیں. دوستی بھی ایسے ہی لوگوں سے کرنا چاہتا ہے جو اس کے ہم مزاج ہم خیال ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے واقعی فیل کے تیسرے سال پیدا ہوئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت واقعی فیل کے سال ہی ہوئی. اس طرح گویا کہ دو سال لگ بھگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھوٹے ہیں. لیکن حضرت عبداللہ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ بڑے تاجر تھے, بہت بڑے تاجر کپڑوں کے مکے میں. ان کی تجارت کپڑوں کی زوروں پہ تھی. پھر اسلام لانے سے پہلے مزاج یہ کہ کبھی کسی نے ان کو بتوں کی پرستش کرتے نہیں دیکھا. تاریخ شاہد ہے کہ کبھی کسی بت کسی کو ترغیب دیتے ہوئے بھی نہیں دیکھا کہ ان بتوں کی پرستش کی جائے, اور کسی نے ان کو روکنے کی بھی مجال نہیں کی کہ بتوں کی عبادت کیوں نہیں کرتے. اور کم عمری سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں شمار ہوتا تھا, پہلے سے ہی دوست. اور کئی موقعوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے تجارت کی, تجارت کا مال لے کے ساتھ گئے آنا جانا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ احباب میں جو لوگ تھے ان میں یہ پہلے سے شامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام توحید کی دعوت دی تو سب نے تردد کیا, تفکر کیا, کچھ وقت مانگا کہ غور و فکر کا موقع دیا جائے, ہم کسی سوچ کے آپ کو جواب دیں گے. ابوبکر وہ تنہا ہے
जिन्होंने बग़ैर कुछ सवाल किए कहा कि आमन्ना व सद्दक़ना, मैं सच कहता हूँ, मानता हूँ आपकी बात को और आप पर ईमान लाता हूँ। ये पवाहद है, कोई तरह नहीं किया। जैसे नबी सल्लम ने फरमाया मैं अल्लाह का नबी बनाया गया, अल्लाह की एक की इबादत करो, कहा मुझे कबूल, ईमान ला ली। और साबिकून अव्वलून में अव्वल है कि आपने सबसे पहले जब वही आई तो बीबी खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन को इस वाक़े की इत्तला दी, वो ईमान लाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 8 साल के थे, आप ही के साथ रहते थे, आप ही ने परवरिश की थी उनकी, तो हज़रत अली ने सुनकर ईमान ला लिया, तो घर के आदमी थे। लेकिन नबी करीम सबने बाहर तो सबसे पहले इसकी इत्तला दी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को दी, उन्होंने फौरन ईमान ला लिया बग़ैर किसी तरद्दुद के, बग़ैर किसी शक व शुबे के, बग़ैर कोई सवाल किए, फौरन नबी करीम की रिसालत पर और इस ईमान ला कर तौहीद की दावत को कबूल कर लिया। इस तरह ये अव्वल हो गए सब में। फिर इसलिए हम खुतबे में पढ़ते जुम्मे के जो है अनबिया के बाद बिला तहकीक हम ये कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ सबसे आला व अरफा है। गुरुए अनबिया के बाद किसी का मरतबा है इंसानों में तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला का मुकाम मरतबा है। यह मरतबा इसे नहीं मिला, बड़े बड़े क़ुरबानियाँ, मैं इनका तस्करा करूँगा कि जो है किस तरह की क़ुरबानियाँ। जैसे ईमान लाए, शुरू शुरू में तो इजाज़त नहीं थी कि आम दावत दी जाए, लेकिन जब अल्लाह ताला ने हुजूर को हुक्म दिया कि अब आप उठिए और लोगों को डराइए और उनको दावत दीजिए तौहीद और रिसालत की, अब इसके साथ ही अरब का जो सोसाइटी थी, अरब का जो माशरा था, वो मुखालिफत में आ गया नबी सम के, नबी करीम सब को तकलीफ़ें देने लगा, और जिनको पता चला कि इनके साथ जो ईमान ला लिया उनको भी तकलीफ़ें देने लगा। अब ये सिलसिला बढ़ रहा था। नबी करीम सब ने हबशा की हिजरत की इजाज़त दी है तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने देखा कि उनको बहुत सताया जा रहा, तो उन्होंने नबी सम से दरियाफ़्त किया। नबी सम ने कहा तुमको भी इजाज़त है। ये निकले हैं हबशा को जाने के लिए, बरगे गम्मात पर पहुँचे हैं, वहाँ पर इब्ने दगना जो है नामी कबीले खारा का सरदार मिला, कबीला था खारा, उसका सरदार मिला, खौफ अलीफ राह हे खौरा, उसका सरदार मिला। उसने कहा कहाँ जा रहे हो अबू बकर, तो कहा कि मुझे इबादत करने नहीं दे रहे, बहुत सता रहे, तंग कर रही, तो मैं हबशा जा रहा हूँ। तो बोला वाह वाह, इतनी बात के लिए आपके साथ मिलने जाना, आप कमाते हैं गरीबों के लिए, खर्चा करते हैं बेवाओं पे, यतीमों पे, आप गमखार हैं, हर एक का ख्याल करते हैं, हर एक के साथ उसने सलूक करते हैं, हर एक के साथ धर्म गुफ्तगू करते हैं, आपके जैसा नेक आदमी, अच्छा आदमी, शरीफ आदमी मक्का से न जाए, चलिए मेरे साथ, वापस ला लिया। और आके जो है उसने सारे सरदारों से कुरैश के कहा कि मैंने अबू बकर को पना दी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तू पना दिया है तो हम मान जाते हैं, लेकिन मामला ये है कि उनसे कह दे कि वो दीन की दावत बाहर निकल कर ना दें, नमाज बाहर ना पढ़ें, और जो ये जो अल्लाह का कलाम बोल के पढ़ते हैं वो आवाज़ बुलंद ना पढ़ें, हमारी औरतें बच्चे उनके अतराफ़ जमा होकर उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, हमको खदशा है कि वो बेदीन ना हो जाए, मतलब उनके मज़हब से ना निकल जाए, शिर्क छोड़ के तौहीद की दावत कबूल ना कर ले। तो उसने हज़रत अबू बकर से कहा कि मैं एक शर्त पे आपको पनाह दे रहा हूँ कि आप बाहर नमाज नहीं पढ़ेंगे और ज़ोर से कुरान की तिलावत नहीं करेंगे। थोड़े दिन गुजरा नहीं, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ज़ोर से घर में कुरान पढ़ना शुरू किया। फिर उसके बाद लोग जमा होने लगे तो घर के सामने एक चबूतरे का ऐसा बना लिया, मस्जिद के सरस वहीं पर बैठ गए और वहीं ज़ोर से नमाज़ पढ़ते, कुरान की तिलावत करते, बच्चे मुशरिकीन के और औरतें जमा होकर सुनने लगी। वो सरदारों ने बुला के कहा उस सरदार को कि भाई तुम्हारी पनाह तो शर्तिया थी, या तो तुम उनको पाबंद कर दो कि घर के बाहर ना पड़े, या फिर तुम उनकी जो है मदद करना छोड़ दो। तो वो आया सरदार, आके वोट से कहा कि मैंने एक शर्त पे पनाह दिए कि आप जो है अल एलान कुरान मजीद की तिलावत नहीं करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप बाहर ही पढ़ने लगे अब तो आपने कहा कि जो है मुझे अब तुम्हारे पनाह की ज़रूरत नहीं, अल्लाह काफ़ी। और पहली शख्सियत है जो अलैलान कुरान की तिलावत और अलैलान मुशकी ने मक्का में नमाज, ये और बात है कि थोड़ा उनकी इज्जत करते थे,
बड़े नर्म दिल नर्म गुफ्तगू खैरखा थे, तो इसलिए उन पर ज़्यादा बहुत ज़्यादा जुल्म नहीं करते थे। आपको इत्तला मिली एक मरतबा एक सरदार था मक्के का, उबा इब्ने मुईद उसका नाम था, वो नबी करीम सलम के गले में रुमाल डाल कर इस तरह खींच रहा है कि नबी करीम सलम की सांसें उखड़ रही हैं। आप आए दौड़ते हुए और मुशरिकीन घेरे हुए थे नबी करीम को, तो अपने इन कोनियों से इस तरह मार कर हटाने लगे, हटा के नबी करीम के पास गए और उबा इब्ने मुईद को धक्का दिया, वो दूर जाके चला गया, हट गया, और आपने नबी करीम को छुड़ाया। नबी करीम सलम वहाँ से हटे, हटने के बाद अब पूरे अरब के जो सरदार वहाँ मौजूद थे उनका गुस्सा अब नबी करीम सब को छोड़ गया, तो अबू बकर पर टूट पड़ा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला को लहूलुहान कर दिया, वो बेहोश हो गए, और उनके ख़ानदान वालों को इत्तला मिली, उनमें से अक्सर वो थे जो इस्लाम नहीं लाए थे, भी मुसलमान ही नहीं थे, लेकिन अपने ख़ानदान के फ़र्द को, ऐसे आदमी को जो बड़ा गमखार रहम दिल और जो है अच्छा सलूक करने वाला रिश्तेदारों के साथ गैरों के साथ, तो वो उनकी हमदर्दी में तलवारें निकाल के मैदान से आ गए, कहा कि अबू बकर को कुछ होगा, अब्दुल्ला को कुछ होगा, तो हम उन लोगों से बदला लेंगे जिन्होंने इनको मारा है। फिर जब बड़ी देर के बाद होश आया, उनकी वालदा भी आ गई, तो वो उठा के उनको घर ले गए, थोड़ा होश आया तो आपने जब बात करने के काबिल हुए तो आपने सबसे पहले वालदा ने पूछा कि बेटे तबीयत कैसी है, कुछ खा लो, तो कहा कि पहले ये बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, मैं जब तक उनका चेहरा ना देख लूँ मुझे चैन नसीब नहीं होगा और मैं खाना नहीं खाऊंगा। फिर कहा कि वो कहाँ हैं, कैसा मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि जाके उमर की बहन को बुला लाओ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन इस्लाम ला ली थी, वो आई, वो और उनकी माँ चेहरा देकर हुजूर के पास लगे, हुजूर को देखा तो हुजूर अच्छे खासे थे तो बहुत खुश हो गए और बोले या रसूल अल्लाह आप ठीक हैं, सारी मुसीबतें हैं जे मेरी। नबी करीम देख के गमगीन हो गए, कहा अबू बकर इन कमबख्तों ने तुम्हारी क्या हालत बना दी है। फिर आपके हक़ में दुआ की और हज़रत अबू बकर सिद्दीक घर आए, बाद में खाना खाए। फिर पहले मार जिसने खाए नबी करीम के तहफ़ के लिए, उस ज़ात बबरकत का नाम है अबू बकर इब्न ख़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला, अब्दुल्ला इब्न उस्मान इब्न आमिर असली नाम है उनका। तो ये वो ज़ात है जिन्होंने जो है मार खाए। इनके पास कहा जाता है जिस वक्त इस्लाम कबूल कर रही है 40,000 दीनार थे, बहुत बड़ी रकम थी, बल्कि आज मान लीजिए करोड़ों में हो जाएंगी वो हिसाब करें तो, इतनी रकम 40,000 दीनार। और जब जो है रावी कहते हैं मैंने जो है देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है 5 लोग हैं, 2 मर्द 1 बच्चा और जो है 2 औरतें ईमान लाने वाला, उन 5ों में एक अबू बकर है, तो साबिकुनुल अव्वलून में सबसे पहले ईमान लाए थे। फिर आपकी खूबी है कि अशराए मुबशरा के जो 10 सहाबी हैं जिनको हुजूर ने 1 सिटिंग में जन्नत की बशारत दी थी, उनमें से 6 आपसे पहले से उनके ताल्लुकात थे, कारोबारी दोस्ती थी, वो 6 ईमान लाने वाले आपकी दावत पर, ये भी साबिकुन अव्वलून में है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, हज़रत उस्मान और जो हज़रत सईद बिन जैद, ये साहबा हैं जिन्होंने आपकी दावत पर ईमान लाए, और भी 3। तो आप देखेंगे कि अशरा मुबशरा में से 10 में से 6 तो वो हैं जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक, ये 7वें। अब अंदाज़ा लगा लीजिए आप, तो ये मामला उनका है कि इस्लाम की इशात के लिए, दीन के तहफ़ के लिए काम किया। अब वो ग़ुलाम जो थे, उन ग़ुलामों में एक ग़ुलाम थे बिलाल हबशी, इनका जो मालिक था आखा था उमैया बिन खलफ, ये बड़ा जालिम था और बड़ा शकीउल कल्ब था, बहुत जुल्म करता था जैसे बिलाल को कि इस्लाम छोड़ दो, बहुत तकलीफ़ें देता था। और जब नबी सल्लम को इत्तला मिलती कि बहुत तकलीफ़ें दे रही, तो आपने कहा कि कोई छुड़ा ले। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला समझ गए मेरी तरफ इशारा है, बाज़ रिवायतों में अबू बकर से कहा कि इनको आज़ाद करा दो। तो आप उमैया बिन खलफ के पास गए, जाके कहा कि इस तो जुमारा ग़ुलाम है, मैं ख़रीदना चाहता हूँ। वो समझ गया इनको ग़ुलाम की ज़रूरत नहीं है, इन्हों असल चाहते ही हैं कि ये जुल्म से बचा ले अपने साथी को। तो उसने एक अंदाजे से एक ग़ुलाम की जो बाज़ार में रकम होती है उससे दुगनी रकम बताई,
डबल कर दी, दुगनी रकम। इसलिए बताया कि ये काला का लोटा, इसकी कोई कीमत नहीं, ये कौन खरीदेगा इतनी बढ़ के कीमत बोले। कहते बिलाल ने फौरन पैसे निकाल के गिन के दे दिए उसको। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। उमैया बोला कि तुमको क्या बात है अबू बकर, ऐसा क्या हो गया है? ये गुलाम तो कोई काम का नहीं है, बाज़ार में बेच जो इसकी एक गुलाम जो बिकता है उसकी कीमत भी आने वाली नहीं है और तुम दो। तो आपने फरमाया तुमको नहीं मालूम किसका हुक्म है ख़रीदने के लिए, और मैं इसको ख़रीद रहा हूँ, ये कौन है तुमको अंदाज़ा नहीं है, तुम तो ग़ुलाम समझ रहे हो। अगर तुम 10 गुना बोलते वो भी देता था। ये है दीन के हरकारों की तहफ़ के लिए काम करना। फिर इसी तरह तकरीबन 4 या 5 ग़ुलामों को, 6 ग़ुलामों को आपने ख़रीद कर आज़ाद किया, जो है हुजूर के कहने पर आज़ाद किया। ये आपके वालिद ईमान न लाए थे, आपके वालिद खाफा अबू खाफा तो जो है फ़तेह मक्का के बाद ईमान लाए। तो जो उस वक़्त उन्होंने कहा बेटे तुमको अगर ख़रीदना ही था ग़ुलामा, आज़ाद करना था नौजवान किसी ग़ुलाम को ख़रीदते, तुम ये कमज़ोर बूढ़ों को ख़रीद के आज़ाद कर रहे हो क्या है? ताकि वो तुम्हारी तिजारत में काम करे, तुम्हारे कभी काम आए, कोई वक्त ज़रूरत पड़ जाए, ये तो कुछ काम के नहीं है तुम्हारे, तुम जो है उनको ख़रीद के आज़ाद कर रहे हो। तो उन्होंने कहा वालिद मैं अपने काम के लिए आज़ाद नहीं करूँ, मैं तो उसकी रज़ा का तालिब हूँ जो है हम सब का पैदा करने वाला खालिक है। अब देखिए दौलत खर्च करते गए खर्च करते गए। अज़ान गिरामी बात बड़ी, बात पहुँच गई कि हिजरत की। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने देखा कि बहुत सारे सहाबा हुजूर से इजाज़त लेके मदीना जा चुके हैं। वो आए आके कहा कि लगे नबी मुझे भी इज़्ज़त दे दीजिए, इजाज़त दे दीजिए मदीना चले जाऊँ। उसने फरमाया अबू बकर ठहरो मुझे भी इजाज़त मिलने वाली है। तो बोले आपको भी मिलने वाली है? जी मुझे भी मिलने वाली। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि मैं 2 ऊँटनियों को पाला और उनको कई महीने तक चारा खिलाया। एक बार दोपहर के टाइम शदीद धूप में सर पर कपड़ा डाले नबी सल्लम आते नज़र आए, मैं समझ गया कोई ज़रूरी मामला, ये वक्त आते नहीं। और घर में आया, आके कहा कि घर वालों को सबको हटा दो यहाँ से। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ये सब आपके घर वाले हैं, आयशा हैं, अस्मा हैं, कोई गैर नहीं है इसमें, तो और कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको इस रास की बात बता रहे हैं तो बाहर जाएगी, जाने वाली नहीं है। नबी सब ने फरमाया अल्लाह की इज़्ज़त मिल चुका है, इजाज़त मिल चुकी है, हिजरत करना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया या रसूलल्लाह सल्लम इस ग़ुलाम को भी इजाज़त है आपके साथ हिजरत करने की? तो हुज़ूर ने फरमाया हाँ तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। फरमाया अल्लाह के नबी 2 ऊँटनियाँ तैयार करके रखाओ, तो 1 ऊँटनी आपके लिए 1 ऊँटनी मेरे लिए। आपने फरमाया ऊँटनी कबूल है लेकिन उसकी कीमत हमसे ले लो तुम, कीमत हमसे ले लो तुम, उसकी जो भी कीमत है हम दे देंगे तुम्हारा। फिर निकले 3 दिन तक गारे शोर में, 3 रात तक गारे शोर में रहे। अब गार में जब गए हैं तो कैसे तहफ़ करा देखिए नबी अकरम का, सुराखें नज़र आई। आपको खदशा हो गया सांप बिच्छू कोई मूजी जानवर इसमें होगा जो है आपको तकलीफ़ दे सकता है। तो आपने जो है अपने कुर्ते को फाड़ फाड़ कर जो है कपड़ा जो था उसको फाड़ फाड़ के सुराखों को बंद करना शुरू किया कपड़े से। पूरे सुराखा बंद हो गए, 1 सुराख बाकी रह गया। आपने ये सोचा कि अगर ये सुराख में से कोई चीज़ निकल के नबी को तकलीफ, नबी को तकलीफ पहुंचाएगी, अपनी एड़ी उस सुराख पर रख दिए ताकि जो है कोई जानवर निकले तो काटे नहीं। इत्तेफाक से उसमें सांप था, आपको डसना शुरू करा। बाज़ रिवायतों में आता है कि कई मरतबा डसा लेकिन आपने बर्दाश्त किया और नबी करीम सम से कहा कि आखा आप सो जाए। नबी करीम सम उनके माड़ी पर सर रखे आराम करने लगे। कहते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को तकलीफ़ इतनी बड़ी, बेसाख्ता आँखों से आंसू निकले, उसके खते नबी सम के चेहरे पर पड़े। हुज़ूर बेदार हो गए, बोले क्या तकलीफ़ हो रही है अबू बकर, बताया क्यों नहीं? अल्लाह के नबी कोई चीज़ है उसमें से मुझे काट रही, पैर हटाओ। पैर हटाता ही सांप निकला, निकल कर चला गया वो। तो हुज़ूर सम ने वहाँ लवाब दहन लगा दिया तो वो ठीक हो गया। फिर आप निकले वहाँ से, अभी निकले नहीं मुशिकी ने मक्का आ गए और वो देखने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ डर गए, कहा कि अल्लाह के नबी इतने करीब पहाड़ के आ गए हमारे, हम जिस गार में छुपे हुए हैं अगर वो अपने ख़दमों की तरफ भी देखे तो हम नज़र आ जाएंगे। आपने फरमाया कि वला ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर जो है डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। इस आयत की तफसीर में मुफस्सरीन ने लिखा कि वो दोनों नहीं थे तना उनके साथ जो है वहाँ पर जो है अल्लाह ताला भी उनके साथ था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का वो मुक़ाम है जिसमें अल्लाह ने फरमाया, हुज़ूर ने फरमाया, अल्लाह ने कुरान में हुज़ूर के इस फरमान को ले लिया कि ला तहज़न इन अल्लाह माना, डरो नहीं अल्लाह हमारे साथ है।
दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उस बारे में फरमाया कि जो है सानी स्नैन, जबकि वो दो में का दूसरा कह रहा था। अज़ान गिरामी इस बारे में भी मुफसरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने गवारा नहीं किया, दो में का एक कह रहा था, तो जो एक किसी को कहना गवारा नहीं हुआ। नबी सन की वो शान है, अल्लाह ने फरमाया दो में का दूसरा, पहले तो अल्लाह के रसूल ही थे, वहाँ ये अजमत नबी करीम की बताएगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारहा कहते थे कि भाई अबू बकर, तुम चाहो तो मेरी ज़िंदगी के सारे नेकियाँ दे दो, लेकिन मुझे वो तीन रातों की नेकी दे दो जो गार में तुम हुजूर के साथ थी। तो ये मामला था। फिर उसके बाद हम देखते हैं ग़ज़वे बदर का मारका हो, ग़ज़वे उहद का मारका हो, खंदक का मारका हो, कोई भी ग़ज़वा हो, हर वक्त नबी करीम सम के साथ साथ मौजूद है, कभी नबी सम का साथ छोड़ा नहीं, हर वक्त मौजूद है हर ग़ज़वे में। फिर माल देना है, माल लगा रहे। ग़ज़वे तबूक का मौका आया, नबी अकरम ने कहा कि सख्त हालात में जंग है, बहुत ज़्यादा माल मता चाहिए। ला हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने 700 सवारों के लिए माल ला के दिया। फिर फरमाया तो बोरिए भर के, यानी थैले भर के घेहूँ ला के दे दिया। फिर फरमाया और भी ला के सामान दिया। लेकिन जब आपने देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए, पूछा अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए, तो फरमाया घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल काफ़ी है। तो जो है ये आप देखेंगे क्या कैफियत है कि किस तरह आपने कहा। वो घर का घर सारा लुटा दिया। कहा जाता है, रिवायतों में आता है कि आपके कुर्ते के बटन ज़रा कीमती थे, वो बटनों को तोड़कर वो भी अल्लाह के रास्ते में दे दिए, और कांटा बबूल का लगा लिया था। जिब्रील अमीन आए हुजूर के पास, तो हुजूर ने देखा कि कुर्ते को कांटा लगा हुआ है। बोले कुर्ता पहन के कांटा क्यों लगा लिए? तो बोले या रसूल अल्लाह, आज आसमान के सारे फरिश्ते कांटे लगा ले कर रहे। तो बोले क्या वजह? तो कहा कि आपका जो महबूब है अबू बकर, उसने कुर्ते के बटन भी तोड़ के अल्लाह के रास्ते में दे दिए और कांटा लगाए। अल्लाह ने सारे फरिश्तों को कहा कुर्ते पहनो और उसको कांटा लगा लो। आज मेरे महबूब के महबूब की इत्तेबा करो, ये मुकाम और मर्तबा। अज़ान गिरामी, एक मौका ऐसा है जिस वक्त सहाबा इकराम का दिल टूटने लगा, वो मौका था सुलह हुदैबिया का। सहाबा ने सुलह हुदैबिया को शुरू में तो कहा दबकी नामा है, हम डर के सुलह कर रहे, ऐसा कर रहे। सहाबा का ये ख्याल हुआ, क्योंकि उसमें बाद शरायत बड़े सख्त, एक शर्त ये रखी थी उन्होंने। उसने फरमाया तुम जो शर्त में आज कहो मैं कबूल कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि अगर मक्के का आदमी कोई मदीना आए इस्लाम कबूल करके, आप मक्के वालों को वापस कर दें। मदीने का कोई आदमी इस्लाम छोड़ के मक्का आ जाए, हम उसको वापस नहीं करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबूल। ये सहाबा को ये शर्त नागवार गुजरी। दूसरी शर्त ये थी कि आज आप काबे का तवाफ न करना, इस साल आइंदा आके करना। सहाबा उसके लिए भी तैयार नहीं थी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं ख्वाब देख चुका हूँ, तवाफ़ करेंगे। तो अब सहाबा एक दूसरे से चेनों को यहाँ करने लगे। सबने कहा उमर से कहा जाए, है तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से जाके कहे। तो हज़रत उमर हज़रत अबू बकर के पास आए, आके बोले भाई अबू बकर, क्या दीन हक़ नहीं? उन्होंने कहा है। क्या अल्लाह हक़ नहीं? उन्होंने कहा है। क्या हमारे नबी बरख नहीं? तो उन्होंने कहा हमारे नबी बरख है। फिर ये डर के क्यों सुलह की जा रही है? तो आप क्यों बात नहीं क्यों नहीं करते? तो आपने कहा कि वो अल्लाह के नबी रसूल हैं, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ मशवरा नहीं दूंगा, अगर वो बुला के मेरे से मशवरा ले तो जब बोलूंगा मैं अपने से। तो हज़रत उमर बड़े सख्त मिजाज थे, कहा कि चाहिए मैं जाके बात करूँ। तो आपने कहा कि मर्ज़ी तुम्हारी, मैं तो मशवरा नहीं था तुमको बात करने के लिए, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं हुआ इनको, जाके हुजूर से पूछे। तो हुजूर ने पूरे बातें सुनने के बाद यही जवाब दिया, मैं जो कुछ कर रहा हूँ अल्लाह की मर्ज़ी से कर रहा हूँ। हज़रत उमर की आवाज़ बुलंद हो गई, खौफ तारी होगा, भाग गया वहाँ से निकल गया, दूर दूर जाने लगे। अब ये काफिला चल रहा चलने लगा, रास्ते में वापस होने लगे मक्के से, शरायत पूरी हो गई। हज़रत उमर समझ गए कि अब कभी ना कभी मेरे लिए कुछ वहीद आ जाएगी, ऊपर से नबी की आवाज़ से आवाज़ बुलंद हो गई और मैंने गुस्ताखी कर दी, और तौबा तिल्ला करने लगे। अभी ये सोच ही रहे, एक आदमी ने पुकारा उमर इब्ने खत्ताब कहाँ हैं? नबी सम याद किए, बोले उमर अब तेरी खैर नहीं है, अब तो खैर नहीं है तेरी। आए आए तो हुजूर ने हज़रत उमर को देख के मुस्कुराया और सूरह फतह की इब्तदाई आयतें सुनाई, इन्ना फतअना लका फतन मुबीना। ये आयत सुनने के बाद हज़रत उमर खुश हो गए, कहा कि इस सुलह को अल्लाह ने फतह करार दिया। तो फतेह मक्का को फतेह मक्का, जिस वक्त मक्का फतह हुआ उसको फतेह मक्का नहीं कहते थे लोग, कहते थे सुलह हुदैबिया। सहाबा कहते थे मक्का की फतह है,
یہ ہمارے لیے بنیاد بڑی. عزیزان گرامی, ہر وقت نبی اکرم کا منسا مرضی سن 12 نبوی میں, جبکہ حالات مکے میں خراب کر دیے گئے, حضور ہجرت کے لیے تیار ہو چکے, اللہ کے اذن کے انتظار ہے, ایسے موقع پہ معراج کا واقعہ پیش آیا. آئے واپس, سب دیکھنے کے بعد, میں تفصیلات میں جا رہا ہوں, انشارتاً بات کرو, واپس آنے کے بعد آپ نے, آپ کی پھوپھی نے کہا کہ بھتیجے کسی سے مت کہو یہ بات, جا کے لوگ پہلے مذاق اڑاتے. آپ نے کہا میں تو جو سچ باتیں کہہ دوں گا. آپ نے کہہ دیا, سرداروں کے سامنے مذاق اڑانے لگے. ابو جہل بولا یہی موقع ہے ابو بکر کو توڑ لینے کا. عبداللہ کو جا کے بولے کہ دیکھو کوئی شخص یہ بولے ابو بکر کہ وہ رات کی آن کے آن میں جو ہے بیت المقدس گیا, آسمانوں کی سیر کرا, واپس آ گیا, تم سچ سمجھیں گے. تو آپ نے کہا پہلے یہ بتاؤ یہ کس نے کہا, کس نے کہا؟ تو اس نے کہا وہی جو تم جس کو نبی مانتے ہو, تمہارے دوست جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ اگر آقا یہ کہیں تو میں سچ مانتا ہوں, سچ ہے. پوچھے بھی رہے یا رسول اللہ کیسا ہے, دربار رسالت سے خطاب ملا صدیق اکبر. تو جو یہ معاملہ, تو یہ بڑا مقام اور مرتبہ ان کا کہ جو صداقت کس طرح گواہی دینے والے. عزیزان گرامی, نبی, میں مختصر کر رہا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی, اس وقت حضرت ابوبکر صدیق قریب میں موجود نہیں تھے. جو صحابہ کو اطلاع ملتے گئی, صحابہ جمع ہو گئے اور ان پہ کیفیت ٹوٹ پڑی. لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو موقع ایسے تھے جس میں حضرت ابوبکر کو آگے بڑھایا. میں ان دونوں موقعوں کا تذکرہ کروں, ایک حدیث سناؤں گا. پہلے ایک بڑھیا آئی, مسلمان تھی, آگے کہا کہ اللہ کے نبی میں غریب ہوں, کچھ عنایت کریے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دے دیا, عطا کر دیا. پوچھے آپ وسلم پھر میں آؤں گی بعد میں, اور میں آئی بعد میں, اگر آپ کو نہ پائی تو پھر کس سے ملوں میں؟ فرمایا ابو بکر سے. یہ بتانا مقصد تھا کہ میں جب نہیں رہوں گا تو ابو بکر میرے جانشین ہیں, میرے جگہ پہ وہ رہیں گے. پھر وہ بڑھیا چلے گئی. پھر جو ہے سن 9 ہجری میں حضور اکرم حج کے لیے نہیں گئے, نہیں جا کر آپ نے جو ہے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کر بھیجا. یہ جب گئے ہیں امیر حج سب صحابہ پہ, تو ان کو بتا دیا گیا کہ دیکھو حج کے معاملے میں یہ تمہارے امیر ہیں. پھر جب حضور سخت علیل ہو گئے تو حکم دیا کہ جو ہے ابو بکر سے کہیں نماز پڑھائے. ام المومنین بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی کہ وہ رقیق القلب ہے, آپ کی جگہ پہ ٹھہریں گے نہیں, روئیں گے. صحابہ نے بھی مشورہ دیا, حضور نے کہا کہ کہو ان سے کہ وہ نماز پڑھائے. نماز پڑھانے لگے, ایک وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگ تھالیاں ایسے ہاتھ پہ ہاتھ باندھ رہے ہیں, تو کراس نگاہ سے دیکھا تو جو ہے دیکھا کہ حضور صاحب تشریف لا رہے ہیں. حضرت ابو بکر پیچھے ہٹے, حضور نے اشارے سے کہا کہ نہیں وہیں ٹھہر رہو. تو پہلے آپ نے نماز کے دوران ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اپنی جگہ پہ, اللہ کے نبی نے اپنی جگہ پہ ٹھہرنے کا مجھے حکم دیا, میں پیچھے آیا تو قبول نہ کرے. لیکن پھر آپ پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے, کھڑے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے, بازو بیٹھ گئے, بیٹھ کے آپ اب امامت اس طرح کرتے, حضور بیٹھ کے نماز پڑھاتے, حضرت ابوبکر ان کی اتباع کرتے اور سارے صحابہ حضرت ابوبکر کی اتباع کرتے, اقتدا کرتے نماز میں. یہ کیفیت ہوئی. عزیزان گرامی, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرماتے ہیں, صحابہ پہ قیامت ٹوٹ پڑی, کیونکہ عشق و محبت کا محور مرکز, نبی و رسول جان سے زیادہ چاہتے تھے. صحابہ کی کیفیت یہ تھی, وہ اپنے میں کوئی بھی نہیں رہا, کوئی رو رہا, کوئی کچھ کر رہا, کوئی کچھ, بہرحال ایک ایسا معاملہ ہو گیا جو سمجھ میں نہیں آتا. حضرت عمر کا معاملہ الگ ہو گیا, وہ بڑے جید تھے, میان سے تلوار نکالے, آ کے کہے کہ اللہ کے نبی گئے ہیں, پھر واپس آنے والے ہیں, آ کے ان منافقین کا اور ان بدبختوں کا بتانے والے ہیں, کوئی اگر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اس کی گردن مار ڈالوں گا. وہ حضرت ابوبکر صدیق کو لوگوں نے اطلاع دی کہ عمر ٹھہر گئی اور اس قسم کی باتیں کر رہی مسجد نبوی میں. حضرت ابوبکر صدیق آئے, آ کے حضرت عمر کا دامن پکڑ کے کھینچا, کہا بیٹھ جاؤ, سننے کے لیے تیار نہیں. ان کے قریب میں ایک چٹان تھی پتھر کی, اس پہ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے اللہ کی حمد و ثنا جیسے بیان کرنے لگے, سب لوگ حضرت عمر کے اطراف جماعت چھوڑے, حضرت ابوبکر کے اطراف آ گئے. حضرت عمر بھی وہاں ٹھہر کے سننے لگے یہ کیا کریں. تو اس کے بعد کہا لوگوں سن لو, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا, محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, وہ انتقال کر گئے دنیا سے. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا سن لے, اللہ الحی ہے. پھر وہ آیت پڑھی سورہ آل عمران کی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول افإن مات او قتل الا انبیکم. یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں, اس سے پہلے انبیاء گزرے گئے, یہ مارے جائیں اور قتل کر دیے جائیں تو تم کیا پائے, اپنے واپس پھر جاؤ گے دین سے؟ پھر فوقت نصیحت کی, دین پہ قائم رہو, اسلام پہ قائم رہو. عمر فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں مجھے یاد تھی, اس وقت یاد نہیں آئی, اور جب ابو بکر نے سنایا تو ایسا معلوم ہو رہا ہے ابو بکر پہ ابھی نازل ہو رہی ہے.
और उनकी तलवार म्यान में चले गई। फिर उसके बाद हुआ ये कि हज़रत उमर को किसी ने इत्तला दी कि अंसार खलीफा अपने में से बनाना चाह रहे और जो है बनू सादा के मुकाम पर जो है ये बैठे अंसार का मजमा है, तो आपने हज़रत अबूबकर को बुला भेजा, अंदर थे वो कि आए बाहर, आए नहीं, आपने फिर बुला भेजा, आप पुकार के कहा कि बहुत अहम मामला है बाहर आइए, और कहा कि चले। तो उस वक़्त जो है और एक साहबी जो है साथ भी नबी खास थे, कोई दूसरे और साहबी थे, वो जो है अशरफ मुबशरा के थे, वो भी वो और ये जो है हज़रत अबूबकर सिद्दीक और जो है हज़रत उमर उनके पास गए, और जाने के बाद उन्होंने कहा कि अमीर एक साल हमारा होगा एक साल तुम्हारा होगा। हज़रत उमर कुछ कहना है, अबूबकर ने रोक दिया, फिर उनको नसीहत की कि अमीर हमारे में से होगा, खलीफा हमारा होगा, लेकिन वज़ीर तुम्हारा होगा, और खिलाफत कुरैश के अलावा किसी और की अरब कबूल नहीं करते, सरदारी अरब कुरैश के कबूल करते। वो खामोश हो गए। उस वक्त अबूबकर ने कहा ये उमर बिन खत्ताब हैं, उनकी तारीफ़ की। फिर फरमाया ये फ़लाँ साहब ये, इनकी तारीफ़ की, और कहा तुम इन दोनों में से किसी एक के हाथ पर, शायद ज़ुबैर इब्न अल-अवाम थे रज़ी अल्लाह, इनमें से किसी एक के हाथ पर तुम्हें जो है खिलाफत। इन दोनों ने कहा कि आपको अल्लाह के नबी ने अमीर हज बनाया, अपनी आयादत के दिनों में आपको नमाज के लिए आगे बढ़ाया, जो दीन के बारे में हमारा इमाम, दुनिया में भी वो हमारा इमाम, इमाम कहते हैं रहबर को, रहनुमा को, लीडर को। वो फौरन उन दोनों ने उनका हाथ पकड़ा और उनके हाथ पर बैत कर ली। अब एक हुजूम था कि जो आपके हाथ पर वहीं बैत कर टूट पड़ा, और इस तरह आप खलीफा मुंतखब हो गए। जैसे खलीफा मुंतखब हुए जो है, अब जो कबाइल वो सूरे नसर में गुजर चुका, वराई तन्ना फिनवाजा के जो इजाजा नफत, जब अल्लाह की फतह और नुसरत आई आपके साथ, मदद आ गई, तो आप देखेंगे वराई तन्नाफवाजा, लोग फौज दर फौज, ग्रोह दर ग्रोह इस्लाम में दाखिल हुए, कबीलों का अकीदा बुतों पर से टूटा, इस्लाम में आ गए, लेकिन इस्लाम को समझे नहीं भी। जैसे नबी अकरम दुनिया से रुखसत हुए, अब उनमें से बाज़ों ने इनकार किया कि हम ज़कात नहीं देंगे, बाज़ों ने इनकार की, बाज़ों ने कहा कि ये हमारा सरदार अब नबी बन गया, गया मुस्लिमतुल कज़्ज़ाब बहुत बड़ा था इसका तो लश्कर, ये उड़ गए। उस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने जो है एक और काफिला था, एक और कुमक फौज थी जिसको नबी अकरम ने भेजने का हुक्म दिया रोम की तरफ, वो हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला की क़ियादत में। हज़रत उसामा 17 साल के नौजवान थे, उनकी क़ियादत में हज़रत अबूबकर भी जाने वाले थे, हज़रत उमर भी जाने वाले थे, बड़े बड़े जय्यद साहबा जा रहे थे, हज़रत उस्मान जैसे साहबी भी जाने वाले थे, हुज़ूर बना दिए कमांडर इन चीफ जाने वाले थे। अब ये जैसे ही हुज़ूर की अलालत बढ़ी वो रुक गया, फिर उनको इत्तला मिल गई तो रुक गया, गया नहीं वापस आ गए। अब साहबा ने मशवरा दिया कि जो है आप इस नौजवान के बजाय किसी तजुर्बेकार कमांडर को, बड़े साहबी को जय्यद बन जाइए कमांडर बना के। आपने कहा जिसको अल्लाह के नबी ने कमांडर बनाया मैं उसको माजूल नहीं कर सकता, इब्ने काफा की इतनी मजाल कि जो है वो नबी के नामजद करदा को हटा के किसी को खलीफा बनाए, उसका अमीर बनाए इस लश्कर का, ये हो नहीं सकता। फिर ये लश्कर चला गया, बहुत सारे मुसलमान जो थे जैद जो बड़ो जंगों में लड़े थे वो सब चले गए। अब उस वक्त इत्तला मिली ज़कात नहीं दे रही है, एक तरफ मुसलमतुल कज़्ज़ाब से लड़ने ग्रो गया, ऐसे और भी बहुत सारे उड़ गए थे झूठे मुद्दयान नबूवत, उनकी तरफ लश्कर गए, मदीने में लोग नहीं थे। उस वक्त बास कबाइल ने कहा ज़कात नहीं देते, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि मैं इनसे जिहाद करूँगा। हज़रत उमर ने उनको मशवरा दिया कि इस वक्त लोगों की तादाद की कमी है, मदीने की कोई हिफाजत करने वाला नहीं है, सब चले जाएंगे तो क्या होगा। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा उमर सुन लो, लोग मुझे कत्ल कर दे और मेरी तिक्का बोटी लोचे कुत्ते आके, मुझे गवारा है, लेकिन अगर कोई ज़कात के मामले फ़र्क करेगा, हुजूर के ज़माने में एक तस्मा देता था, तस्मा देने से इनकार करेगा तो मैं उससे जिहाद करूँगा, ये शरीयत के बड़े तहफ। फिर फरमाया उमर क्या हो गया, जब तक तुम हालत कुफर में थे बड़े सख्त थे, इस्लाम में आके कमज़ोर पड़ गए। लोगों ने देखा वो आदमी जो नरम दिल नरम गुफ्तगू है, अजीमत के बारे में, तहफ़ुज़ दीन के बारे में, तहफ़ुज़ शरीयत के बारे में सबसे उलुल अज़्म, सबसे शजी, सबसे बहादुर बन के खड़े हो गए। ये बहुत बड़ा कारनामा है कि सबसे बड़े तहफ़ुज़ का काम किसने किया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने किया। एक तरफ तो उन झूठे मुद्दयान नबियों को ख़त्म किया, उनकी ताकत को तोड़ा, दूसरी तरफ उन कबाइल से जिहाद किया जो ज़कात के बारे में, नमाज ज़कात और नमाज में फ़र्क़ करते हैं। आपने फरमाया ये भी फ़र्ज़ है वो भी फ़र्ज़ है, कोई फ़र्क करेगा ज़कात के बारे में, तस्मा देने से इनकार करेगा तो अबू बकर उसे जिहाद करके हासिल करेगा, लोगों को दीन और शरीयत पे लाया। वरना ये होता लोग मसलियत के नाम पे नमाजें छोड़ते, ज़कात अदा नहीं करते, बहुत सारे करते और बहुत क्या क्या काम नहीं करते,
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का बड़ा कारनामा है कि दीन का तहफ़्फ़ुज़ किया, छूटे नबियों जो थे उनको ख़त्म किया, और फिर शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ किया। शरीयत के अहम रुकन ज़कात की फ़र्ज़ियत को आपने उसी अंदाज़ में क़ायम रखा जिस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक हमने जो कुछ बातें बयान की हैं इस पर हमको अमल करने वाला बना, सहाबा के इश्क व मोहब्बत हमारे दिलों में एक जागुज़ी फरमा दे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला का एक पड़तो ईमान का हमको भी नसीब फरमा दे। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम। हज़रात, हमें खुशी है कि हमारे मुकर्ररीन में इस किस्म ऐसे मेयार के लोग भी मौजूद हैं। आपको ख़ुद अंदाज़ा हुआ होगा कि सालिमाना खिताब से हम किस कदर मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अलबत्ता मेरी वही शिकायत अभी भी कायम है कि कम से कम आप एक नौजवान को साथ लेते आएँ। बात यह है कि इस वक्त स्कूल कॉलेजेस कोई किसी का टाइम नहीं है, खेल कूद का ज़रूर है, लेकिन कभी कभार ऐसे महफिल में शरीक होकर खेल कूद को भी जारी रख सकते हैं या नागा भी कर सकते हैं खेल कूद में। लेकिन जिस वक्त तक कि आप हम तवज्जो ना करें, ये नौजवान आजकल के सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो आपको तो मालूम है इस कदर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स न सिर्फ टीवी पे होते हैं बल्कि तरह तरह से बुलाए जाते हैं। तो आप लोग भी तवज्जो फरमाएं कि किसी तरह नौजवानों को हम बुलाएं। हमें आज के खिताब के बारे में तो अंदाज़ा था कि हमेशा की तरह आज के मुकर्रर साहब हमें अपने अजीम ख्यालात से मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। अब एक रह जाता है प्रोग्राम, वो चार शंबे का ज़बाना अल्लामा इक़बाल की एक नज़म। प्रोफेसर ख्वाजा नासिरुद्दीन से तो आप वाकिफ़ हैं, वो नामवर हस्ती हैं और उन्होंने कई मरतबा आपको मुखातिब भी किया है। और वो जो है 1106 वाला लेक्चर ज़माना अल्लामा इक़बाल के एक निज़म के उनवान पर हमें मुखातिब करने वाले हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप कोशिश करें कि कम से कम एक नौजवान को साथ लेते आए हैं, चूँकि महफिल का वक्त हो चुका है। मैं दुआ की गुजारिश करता हूँ। दुआ कर दिया चलिए महफिल।